हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप में सबसे शानदार पारियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विराट कोहली, जिन्हें क्रिकेट के मैदान पर रन मशीन के नाम से जाना जाता है, ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का अंत एक शानदार प्रदर्शन के साथ किया। 2012 से 2024 तक उन्होंने 33 पारियों में 1292 रन बनाए, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन है। उनका औसत 58.72 और स्ट्राइक रेट 128.81 है, जो उनकी महानता को दर्शाता है। अब जब वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, तो चलिए उनकी कुछ बेहतरीन पारियों पर नजर डालते हैं। 2012 में कोलंबो में सुपर 8 के मैच में विराट कोहली ने 61 गेंदों में 78 रन बनाकर भारत को 8 विकेट से जीत दिलाई। इस मैच में उन्होंने युवराज सिंह के साथ महत्वपूर्ण तीसरे विकेट की साझेदारी की। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, कोहली ने गेंदबाजी में भी योगदान दिया और 1/21 के आंकड़े के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। 2014 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 173 रन का पीछा करते हुए कोहली ने 43 गेंदों में 72 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए और भारत को फाइनल में पहुंचाया। भले ही भारत फाइनल में रनर अप रहा, लेकिन कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा 319 रन बनाए थे। 2016 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत को 161 रन का पीछा करते हुए 49/3 के मुश्किल स्थिति में पहुंचने पर कोहली ने एक बार फिर कमाल दिखाया। अंतिम 18 गेंदों में 39 रन की जरूरत थी और कोहली ने 11 गेंदों में 32 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। 2022 में MCG में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत 31/4 की कठिन स्थिति में था, 160 रन का पीछा करते हुए कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ साझेदारी की और अंतिम गेंद पर जीत हासिल की 53 गेंदों में 82 रन बनाकर। 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने 59 गेंदों में 76 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत दिलाई। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली की कुछ बेमिसाल पारियां T20 वर्ल्ड कप में। उनकी बल्लेबाजी का जादू हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा पारी कौन सी है। धन्यवाद। जय हिंद।